नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे ज्ञान मसीहा चैनल में। आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट SWF स्कैफोल्ड। ओके, किस तरह से हम निकालते हैं किसी भी स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए आपको जानते हैं कि सेफ वर्किंग लोड निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है SWL निकालने के लिए। सबसे पहला चीज़ होता है हमारा कि वो होता है वेट ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसका वेट मालूम होना चाहिए आपको। वर्किंग प्लेटफॉर्म का भी लोड आपको अधिक वेट मालूम होना चाहिए। जो उस पर वर्कर काम कर रहे हैं उसका भी वेट आपको मालूम होना चाहिए, और आपको मटेरियल्स का भी वेट मालूम होना चाहिए, और साथ में जो ऊपर टूल्स रखा हुआ है उस पर उसको भी आपका लोड मालूम होना चाहिए। इन चारों पाँचों जितना भी है ना, सबका आपको लोड वेट मालूम होना चाहिए, तब जाके आप SWL सेफ वर्किंग लोड आप निकाल सकते हैं स्कैफोल्डिंग का। तो चलिए चलते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है आपको बता दूं, है ना। स्कैफोल्डिंग का सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला होता है, आपको बता देते हैं सबसे पहले कि डेड लोड क्या होता है। डेड लोड प्लस ब्रैकेट 4 × लाइव लोड। डेड लोड प्लस ब्रैकेट 4 × लाइव लोड, ये होता है SWL स्कैफोल्डिंग का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेड लोड क्या होता है और लाइव लोड क्या होता है। चलिए डेड लोड समझते हैं। डेड लोड इक्वल टू होता है वेट ऑफ स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स प्लस वर्किंग प्लेटफॉर्म वेट। मतलब ये है कि जो भी स्कैफोल्डिंग का कंपोनेंट्स यूज हुए हैं उसमें उसका पूरा वेट मालूम होना चाहिए, और जो प्लेटफॉर्म है उसका भी मालूम होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं लाइव लोड क्या होता है। लाइव लोड इक्वल टू वेट ऑफ वर्कर्स, जो ऊपर वर्कर काम कर रहे हैं, प्लस में मटेरियल्स प्लस टूल्स, ये सबका आपको वेट मालूम होना चाहिए, तब जाके आप लाइव लोड निकालेंगे। ओके, चलिए अब एग्जांपल के साथ आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से आपको डेड लोड निकालना है और किस तरफ से लाइव लोड निकालना है। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं लाइव लोड में, डेड लोड में। डेड लोड मान लेते हैं कि पूरा एक जो है ना उसका स्कैफोल्डिंग का डेड लोड 200 kg है टोटल। मतलब कि वेट ऑफ स्कैफोल्डिंग प्लस वर्किंग प्लेटफॉर्म को मिला के कितना, 200 kg, ठीक है। ओके, दोनों को मिला के डेड लोड हम निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिए। अब दूसरा हम लाइव लोड लेते हैं, वेट ऑफ वर्कर्स, जो ऊपर काम कर रहे, मान लो दो वर्कर काम कर रहा है, एक का 70 kg है और दूसरा जो आदमी काम कर रहा है उसका 60 kg है, ठीक है। और जो उस पर मटेरियल्स रखा हुआ है वो 2000 kg का है, ओके, ठीक है। और जो उस पर टूल्स रखा हुआ है उसका 200 kg वेट है, कितना है, 200 kg वेट, ठीक है। तो अब हम इन सारों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अब इसका हम सेफ वर्किंग लोड निकालते हैं। चलिए फार्मूला पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेड लोड है कितना kg, 200 kg, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डेड लोड प्लस जो फार्मूला पर है, डेड लोड प्लस 4 × लाइव लोड, ओके। तो 200 kg हमारा डेड लोड है, प्लस फिर ब्रैकेट लेंगे 4 × लाइव लोड। लाइव लोड हमारा कितना है, 70 + 60 + 2000 kg प्लस 200 kg, ओके। तो अब देखिए फॉर्मूला पे सेट करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर निकालेंगे 200 प्लस ये टोटल को काउंट करने के बाद आ जाएगा, तो 200 प्लस 9320, ओके। तो ये टोटल आता है 9520 kg। इसको टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब टन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता है कि 1 ton इक्वल टू होता है 1000 kg, ओके। तो डिवाइड करेंगे तो 9520 kg डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 9.52 ton। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें चैनल।